Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 22nd of June 2021, Tuesday. Inspiration of the day is, success is not the key to happiness, happiness is the key to success. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. RBI may go against conventions on raising funds via bonds. RBI will use the existing 10 years bond to raise the at least 40,000 crore from the market on Friday. So this news is also about the 10 years bond. Aur kafi time se jo 10 years ke jo bond hain, they are very much in news due to RBI intervention. बहुत टाइम से आरबीआई जो 10 इयर्स के बॉन्ड्स हैं उनको कंटिन्यूसली ख़रीद रही है. मार्केट में जो उनकी प्रेजेंस है, जो ट्रेडिंग है 10 इयर्स के बॉन्ड की, वो बहुत ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट हो गई है या बहुत ज़्यादा कम हो गई. तो कई बार एक्सपर्ट का ये भी कहना था कि अब जो 10 इयर्स के बॉन्ड हैं, दे आर नॉट सर्विंग एज अ बेंचमार्क इंस्ट्रूमेंट फॉर डिसाइडिंग द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी. बट अब आरबीआई इन्हीं 10 साल के बॉन्ड को यूज़ करते हुए 14,000 करोड़ का फंड रेज करने जा रही है. एंड दिस अमाउंट टेकिंग द आउटस्टैंडिंग ऑफ द पेपर टू मोर देन 1.33 trillion. एट इज पॉसिबली द हाइएस्ट एवर अमाउंट रेज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी. जनरली अ फ्रेश सेट ऑफ बॉन्ड इज अनाउंस्ड आफ्टर 1.2 trillion इज रेज. इन जनरल केसेस जब किसी भी सिक्योरिटी से, स्पेशली बॉन्ड से 1.2 trillion तक की लिमिट क्रॉस हो जाती है, फंड रेज होता है, तब क्या करती है आरबीआई, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के फ्रेश बॉन्ड्स को इशू करती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ हो चाहे वो 10 ईयर्स के बॉन्ड हो. बट दिस टाइम दिस इज पॉसिबली द ओनली केस वेयर द लिमिट हैज़ बीन ब्रीच्ड बट आरबीआई हैज़ नॉट इशूड एनी न्यू 10 ईयर्स बॉन्ड. जो ऑलरेडी आरबीआई के पास एग्जिस्टिंग 10 ईयर्स के पेपर्स हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए आरबीआई 14,000 करोड़ का फंड रेज करेगी. एंड दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट बाय आरबीआई गिव क्रेडेंस. क्रेडेंस मीन्स फेथ, सपोर्ट. तो दिस पर्टिकुलर मूव बाय आरबीआई इज गिविंग क्रेडेंस टू द थ्योरी दैट सेंट्रल बैंक मे नॉट वांट टू इशू फ्रेश सेट ऑफ 10 ईयर्स पेपर इन हरी एंड वुड रादर कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी. और अभी तक आरबीआई के पास अप्रॉक्सीमेटली 1.19 ट्रिलियन के जो 10 इयर्स के पेपर हैं वो मार्केट में, जैसे मोस्ट ऑफ द जो 10 इयर्स के बॉन्ड हैं इस समय आरबीआई के पास है. आरबीआई इज द मोस्ट ऑफ द 10 इयर्स पेपर आर इन स्टॉक विद आरबीआई नाउ. सो आरबीआई नाउ गोइंग टू यूज दिस स्टॉक ऑफ 10 इयर्स पेपर टू रेज द 14,000 करोड़ फ्रॉम द मार्केट. And the central bank is targeting 10 years segment to keep the yields around 6%. और चूँकि अभी यहाँ पर liquidity नहीं है, क्यों liquidity नहीं है, because there is no existing amount of or significant amount of 10 years bond in the market. So the trading volume has crashed. On Monday it was 6th most traded security in the market, trading only 375 crore, something not heard of 10 years benchmark which is always traded the most in case of Indian economy. और पिछले last fiscal year से RBI had changed the 10 year security paper thrice because of the outstanding stock on each cross the 1 trillion and there is no indication that RBI will stop at that. अब यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि आरबीआई कंटिन्यूअसली पिछले कुछ टाइम से 10 साल के बॉन्ड्स को क्यों मार्केट से ख़रीद रही थी. मैंने कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई 10 इयर्स बॉन्ड्स आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी. इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, बिकॉज दे सर्व एज अ बेंचमार्क इंस्ट्रूमेंट फॉर डिसाइडिंग द इंटरेस्ट रेट. इसके अलावा मैंने ये भी पूछा था कि व्हाई आरबीआई इज़ कंटिन्यूअसली बाइंग, तो उसका आंसर थोड़ा सा एलैबोरेट है. इसके लिए आई विल प्रिपेयर अ सेपरेट अनदर वीडियो, बट अभी के लिए यू कैन रिलेट इट कि वाई आरबीआई वॉज एक्चुअली कंटिन्यूअसली बाइंग द 10 ईयर्स बॉन्ड और 10 ईयर्स पेपर फ्रॉम द मार्केट. नाउ आरबीआई इज यूजिंग दोज बॉन्ड्स फॉर रेजिंग द 14,000 करोड़ ऑफ फंड फ्रॉम द मार्केट. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6. SBI टू रेज अप टू 14,000 करोड़ वाया 81 बॉन्ड्स.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी प्लान कर रही है 14,000 करोड़ का फंड रेज करने के लिए थ्रू एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स 81 बॉन्ड्स इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर टू इन्हांस इट्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टू इन्हांस इट्स कैपिटल एडिक्वेसी प्रोफाइल। अब यहाँ पर दो टेक्निकल वर्ड्स यूज़ हुए हैं, हालांकि मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, बट फिर भी न्यूज़ को समझने के लिए इनको जानना ज़रूरी है। ये टीयर वन बॉन्ड्स क्या होते हैं, 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं, एंड व्हाट इज़ दिस कैपिटल एडिक्वेसी प्रोफाइल, व्हाट इज़ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। 81 बॉन्ड्स आर बेसिकली द टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड एंड परपेक्चुअल बॉन्ड, इनको परपेक्चुअली बॉन्ड भी बोलते हैं, दैट बैंक इशू टू शोर अप देयर कैपिटल बेस टू मीट द बेसल थ्री रिक्वायरमेंट और बेसल थ्री नॉर्म्स। तो बेसिकली जो एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स होते हैं ये अनसिक्योर होते हैं, याद रखेंगे, परपेक्चुटी बॉन्ड होते हैं। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ परपेक्चुटी हेयर, इट सिंपली मीन्स इन्वेस्टर्स दोज हु आर एक्चुअली बाइंग दीज बॉन्ड कैन नॉट रिटर्न दीज बॉन्ड्स टू द इशूइंग बैंक एंड गेट मनी, दैट इज़ देयर इज़ नो ऑप्शन अवेलेबल टू इट्स होल्डर। हालांकि बैंक या इंस्टीट्यूशन जब चाहे उन पर्टिकुलर 81 बॉन्ड्स को बाई बैक कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन इन्वेस्टर्स के पास नहीं होता है। उनको वो बॉन्ड तब तक होल्ड करना पड़ता है जब तक कि बैंक खुद उस पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए कॉल बैक ऑप्शन ना अनाउंस करे। तो क्वेश्चन ये उठता है, मैम देन कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा, इफ़ देर इज़ नो मेच्योरिटी अमाउंट, इफ़ देर इज़ नो मेच्योरिटी डेट, तो ये तो बहुत रिस्की है डेफिनेटली। तभी तो मैंने बोला ये अनसिक्योर्ड बॉन्ड है, दीज बॉन्ड्स आर वेरी रिस्की। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई एक्चुअली इन्वेस्टर्स विल इन्वेस्ट इनटू दिस, बिकॉज ऑफ द हायर इंटरेस्ट रेट। 81 बॉन्ड्स आर लाइक अदर बॉन्ड्स इशूड बाई बैंक्स एंड कंपनीज, बट दे पे अ स्लाइटली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू द अदर बॉन्ड्स। दूसरा रीज़न ये भाई, बैंक और कंपनीज जो इशू कर रही हैं उनके पास ये, उनको उनके पास ये राइट होता है कि वो जब चाहे तब खरीद सकती है। इन्वेस्टर्स के पास ये राइट नहीं होता कि वो बैंक या पर्टिकुलर कंपनी को ये 81 बॉन्ड वापस भेज सकें। लेकिन दीज बॉन्ड्स आर ऑल्सो लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंजेस, सो इफ़ एन 81 बॉन्ड होल्डर्स नीड्स मनी ही कैन सिंपली सेल इट टू द सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में इनकी प्रॉपर ट्रेडिंग होती है, तो इन्वेस्टर्स जिन्होंने 81 बॉन्ड होल्ड किए होते हैं दे कैन सेल दीज बॉन्ड्स टू द सेकेंडरी मार्केट एंड अर्न द मनी। हाँ, लेकिन बैंक्स पर, कंपनीज पर जिन्होंने इसको इशू किया होता उन पर कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं होता। इवन द बैंक इशूइंग द 81 बॉन्ड्स कैन स्किप द इंटरेस्ट पे आउट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर और इवन रिड्यूस द बॉन्ड्स फेस वैल्यू, एंड दैट इज़ वाई दीज आर अनसिक्योर एंड परपेक्चुटी बॉन्ड्स। 80 बॉन्ड्स आर रेगुलेटेड बाई RBI। इफ RBI फील्स दैट बैंक नीड्स अ रेस्क्यू, इट कैन सिंपली आस्क द बैंक्स टू राइट ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग 81 बॉन्ड विदाउट कंसल्टिंग इट्स इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली बेसल थ्री की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बैंक जो हैं वो 81 बॉन्ड इशू करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द सफिशियंट अमाउंट ऑफ कैपिटल, सफिशियंट अमाउंट ऑफ कैपिटल सो दैट देयर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैन बी इम्प्रूव्ड, कैपिटल एडिक्वेसी प्रोफाइल कैन बी इम्प्रूव्ड। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी? So whenever we say capital adequacy, it simply means capital adequacy ratio. So basically it is a ratio of bank's capital in relation to its risk weighted assets and current liabilities. Generally this is the statutory minimum reserve of the capital which a bank and other financial institution must have to maintain or must have to available. तो एक मिनिमम स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट होती है, रिजर्व होता है कैपिटल एडिक्वेसी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करना पड़ता है। और जनरली जो अथॉरिटीज़ होती हैं इन केस ऑफ इंडिया, इट इज़ अ सेंट्रल बैंक और बेसल, ये एक्चुअली डिसाइड करती हैं किसी बैंक के पास कितना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए। तो इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द बैंक्स, इन सम इन वेरी सिंपल टर्म, बिटवीन द बैंक्स एसेट्स, रिस्क वेटेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो इट डिसाइडेड बाय सेंट्रल बैंक एंड द बैंक रेगुलेटर्स टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम टेकिंग एक्सेस लीवरेज एंड बिकमिंग इंसॉल्वेंट इन द प्रोसेस। बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो कैपिटल एडिक्वेसी ये बताता है कि बैंक्स के पास कितना असेट्स है कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो पूरी कर पाएँ। क्या बैंक्स के पास सफिशेंट असेट हैं जिससे बैंक्स अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को मीट आउट कर सकता है अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो।
एंड डेफिनेटली इतना तो कैपिटल बैंक के पास होना चाहिए, इसीलिए मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब करी जाती है कि इन केस इमरजेंसी सिचुएशन अगर सारे जो अकाउंट होल्डर्स हैं दे स्टार्ट टेकिंग देयर मनी बैक, तो बैंक के पास इतना सफिशिएंट कैपिटल हो कि वो अपना अपने जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनका पैसा, जो उनके लेंडर्स हैं उनको पैसा वापस कर सके। तो जितना अच्छा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होगा, हम इतना अज्यूम करेंगे कि बैंक के पास उतने ज़्यादा असर्स हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स लायबिलिटी। इट मीन्स बैंक्स परफॉर्मेंस इज साउंड। तो इसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। नाम से लगा कैपिटल एडिक्वेट, कितना है, क्या कैपिटल एडिक्वेट है इन ऑर्डर टू मीट आउट द लायबिलिटीज ऑफ द करंट सिचुएशन। If it is, it means bank's capital adequacy ratio is sufficient. So SBI is going to raise the 81 bonds in order to raise the 14,000 crore for improving its capital adequacy profile. And the central bank accorded approval for raising capital by way of issuance of the Basel III compliant debt instruments. बेसल क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, बेसल थ्री के क्या बेसिक रिक्वायरमेंट और बेसल एक्चुअली है क्या। हालांकि मैं बहुत बार पहले भी ये क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ, बट इट इज़ फॉर रिवीजन पर्पज। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे व्हाट इज़ एक्चुअली बेसल एंड व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट, रिजर्व रिक्वायरमेंट अंडर बेसल थ्री। बेसल थ्री के अकॉर्डिंग कितनी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक्स का होना चाहिए। अगर स्टॉक की बात करें SBI के स्टॉक की, तो इट्स स्टॉक क्लोज 1.6% हायर एट 419.55 per share on the BSE, and SBI executive said this enabling provisions and actual issuance will depend on the market conditions and credit growth system in the economy. But this particular fundraising exercise is subjected to, provided that the concurrence from the Government of India, give approval for it. Why? Because Government of India is the largest promoter or the shareholder of this particular bank. Its promoter, which held approximately 57.63% stake as of March 31st, 2021. तो गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही ये फंड रेजिंग की एक्सरसाइज होगी, हालांकि RBI ने परमिशन दे दी है। अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कार की बात करें, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो स्टूड एट 13.17% एज ऑफ मार्च, अप फ्रॉम 13.06% इन मार्च 2020। तो पिछले साल के कंपैरिजन में SBI का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो कुछ इम्प्रूव हुआ है। इट्स कॉमन इक्विटी टीयर वन was 10.0% in the March 21, that is higher than the regulatory requirement of 7.797%. तो अब देखना है कि कब SBI इस particular 81 bonds को announce करती है। Apart from it, there is another news that is associated with the banks. Banks likely to see lower gains on bond book in financial year 22. So public sector banks which reaped windfall treasury gains in financial year 21 are likely to see much lower benefits from their bond portfolio in financial year 22. And what is the reason behind it? Due to the limited headroom for yield to decline the further according to ICRA. तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि PSB जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल 21 में, आफ्टर द 5 कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ लॉस सपोर्टेड बाय विंडफॉल ट्रेजरी गेन, बट इनटू दिस फाइनेंशियल ईयर बैंक्स आर लाइकली टू सी लोअर गेन्स ऑन देयर बॉन्ड बुक इन कंपैरिजन टू द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। Stiff compliance flush sale ban in draft norms for e-commerce firms. पिछले कुछ टाइम से जो e-commerce companies हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। जो फिजिकल रिटेल स्टोर्स हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट कर रहे हैं अथॉरिटीज़ से कि जो e-commerce companies हैं ये अननेसेसरी के सेल के ऑप्शन डाल रहे हैं, अननेसेसरी के डिस्काउंट्स दे रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली माल प्रैक्टिसेस एंड एंटी कॉम्पिटेटिव। इसकी वजह से जो फिजिकल स्टोर्स हैं उनका जो सेल है वो डाउन हुआ है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हुई है, दे आर नॉट एबल टू सस्टेन दिस अमाउंट ऑफ सेल एंड डिस्काउंट रेट। तो इसी के बाद से सेंट्रल बैंक इज नाउ एक्चुअली प्लानिंग टू फ्रेश गाइडलाइंस फॉर ई कॉमर्स कंपनीज, एंड दैट इंक्लूड द अपॉइंटमेंट ऑफ CEO, गिविंग प्रेफरेंस टू द सेल ऑफ लोकली प्रोड्यूस गुड्स, mandatory registrations of the e-tailers with Department for Promotion and Industry,
तो इस तरह के कुछ टाइट रेगुलेटरी नॉर्म्स को सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने वाली है, इन्फोर्स करने वाली है। और अगर हम पिछले कुछ टाइम से देखें तो इंडिया में आईटी रिलेटेड कंपनीज़ को लेकर के, ई कॉमर्स कंपनीज़ को लेकर के, आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिग्निफिकेंस जो है वो अब इन सारी कंपनीज़ की, आईटी इनेबल्ड, आईटी रिलेटेड, ई कॉमर्स कंपनीज की आगे आने वाले टाइम में सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। दे आर गोइंग टू इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एंड इम्पैक्ट द इकॉनमी सिग्निफिकेंटली। और जो नॉर्म्स हैं इंडिया में जो प्रेवलेंट हैं, रेगुलेशंस जो प्रेवलेंट हैं, रूल्स जो प्रेवलेंट हैं, इनको मैनेज करने के, इनको रेगुलेट करने के, दे आर एक्चुअली ओल्ड और डेट्स एगो। तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन होगा। अभी हमने देखा है कि न्यू आईटी रूल भी आए हैं जिसको लेकर के ट्विटर से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब जो दूसरा टारगेट है गवर्नमेंट के लिए, दैट इज़ ई कॉमर्स कंपनी। ई कॉमर्स कंपनीज की वैसे भी बहुत कंप्लेन आ रही थी, और जिस तरह से कोरोना के पीरियड में, पैंडेमिक के पीरियड में इनकी सिग्निफिकेंस बढ़ी है, उसको देखते हुए भी ये बात तो इंश्योर हो गई थी कि जो गवर्नमेंट है वो अब ई कॉमर्स कंपनीज को रेगुलेट करेगी इन ऑर्डर टू इंश्योर द फेयर कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप देखें तो ई कॉमर्स कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके पास बहुत फंड है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छा मैन पावर है। तो अगर ये कंपनीज अगर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो इंडिया का जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, जो हमारे फिजिकल रिटेल स्टोरर्स हैं, स्मॉल रिटेलर्स कंपनीज हैं, जो शॉप्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वो बिल्कुल मिटिगेट हो जाएंगे। इसीलिए नाउ गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू इशू द फ्रेश गाइडलाइंस फॉर ई कॉमर्स कंपनीज, जहां पर उनके अपॉइंटमेंट, सीईओ के अपॉइंटमेंट से ले करके जो ई टेलर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन तक की बात कही गई है, एंड मेक दीज कंपनीज मोर अकाउंटेबल। तो जिस तरह की वो सेल लाते हैं, जिस तरह के डिस्काउंट जिस अमाउंट के प्रोवाइड करते हैं, उन सब को अब रेगुलेट किया जाएगा through these new guidelines. A slew of amendments have been proposed under the Consumer Protection Rules 2020 and definitely to protect the interest of consumers and encourage free and fair competition in the market. तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने कमेंट्स इनवाइट किए हैं फ्रॉम रेलिवेंट स्टेक होल्डर टिल July 6, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रपोज रूल ई कॉमर्स कंपनीज विल नॉट बी अलाउड टू ऑर्गेनाइज अ फ्लश सेल। जो फ्लश सेल आती है ना, वेडनेसडे को आ रही है, फ्राइडे को आ रही है, और हैवी डिस्काउंट जिस पे मिलते हैं, और जनरली फेस्टिवल के केस में आती है, क्लियरिंग सेल्स आती है, उस तरह की सेल्स अब इन कंपनीज को ऑर्गेनाइज करना अलाउ नहीं होगा। दैट अलाउ द सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज एट अ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस प्राइस। तो आप फिलहाल के लिए कोई फ्लश सेल आपको फ्लिपकार्ट या मिंत्रा या अमेजोन में देखने को नहीं मिलेगी जब ये पर्टिकुलर नए रूल्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे। सेपरेटली कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री क्लैरिफाइड दैट कन्वेंशनल ई कॉमर्स फ्लश सेल्स आर नॉट बैंड, बट स्पेसिफिक फ्लश सेल्स और बैक टू बैक सेल्स विच लिमिट द कस्टमर्स चॉइस, इंक्रीज प्राइजेस एंड प्रिवेंट अ लेवल फील्ड आर नॉट अलाउड। तो हम कहें कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर, अगर आप देखें कौन डिसाइड करेगा कि ये इंक्रीज प्राइस है या प्रिवेंट द प्लेइंग फील्ड को, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको डिस्टॉर्ट कर रहा है, हु विल डिसाइड दैट? ऑल इज़ द डिस्क्रिशनरी पावर। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पास डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा आ गई है, वो डिसाइड करेंगे वेदर द पर्टिकुलर सेल इज़ डिस्टॉर्टिंग द लेवल फील्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस, इन ऑर्डर टू मिटिगेट द स्मॉल टेलर्स, रिटेलर्स और फिज़िकल शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट। तो फिलहाल के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगने वाले हैं ई कॉमर्स कंपनीज़ के लिए। दीज आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर एक्चुअली प्रपोज्ड इन अपकमिंग न्यू गाइडलाइंस। दीज आर द डोंट्स एंड डोंट्स। सो एवरी ई कॉमर्स कंपनी विल हैव टू रजिस्टर इटसेल्फ विद द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री, सजेस्ट इंडियन अल्टरनेटिव फॉर फॉरेन मेड गुड्स। तो इंडियन जो मेड गुड है उनको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी फॉरेन मेड गुड्स के कंपैरिजन में। इंश्योर द स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग आर क्लियरली आइडेंटिफाइबल। इंश्योर नो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर ऑफर डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट बिटवीन द सेलर्स एंड द सेम कैटेगरी। प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर इफ देर इज अ क्रॉस सेलिंग। ई कॉमर्स कंपनीज व्हाट दे आर नॉट सपोज टू डू, मिसलीडिंग द कंज्यूमर, डेफिनेटली ये किसी केस में अलाउ नहीं होता। एडवर्टाइजिंग अ बॉडी ऑफ सेलर फॉर सब्सिडाइजिंग सेल, कैन नॉट शेयर कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन विदाउट द कंसेंट। तो यहाँ पर भी प्राइवेसी का क्लॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एड करने वाली है। आप देख लेते हैं फ्यू अदर न्यूज क्लिप्स। सेट अलाउ वोट फॉर कालिया डील्स विद PNB हाउसिंग। कल PNB हाउसिंग की
एक डील को लेकर के हमने न्यूज़ डिस्कस करी थी, जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि सेबी ने मना कर दिया है फिलहाल उस डील को एग्जीक्यूट करने के लिए, बट सिक्योरिटी अपेलेट ट्रिब्यूनल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सैट बोलते हैं, सिक्योरिटीज अपेलेट ट्रिब्यूनल हैज़ अलाउड पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस टू गो अहेड विद द शेड्यूल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग दैट इज शेड्यूल्ड ऑन ट्यूजडे, दैट इज फॉर टूडे. So now this mortgage lender has been allowed to carry out voting on the controversial resolution pertaining to the infusion of 4,000 crore by one private equity company that is Carlyle on preferential basis. So okay ho gaya hai, SAT ne filhal ke liye allow kar diya hai. Let's see what will happen for this PNB HFC. Ab dekh lete hain next. Vaccination scores top 8 million as new rules takes effect. So India ne record immunization register kiya hai, approximately 8.1 doses of COVID-19 vaccines on Monday. That is about 2.5 times of the widely average of 3.2 million shots in a day. Or एक्सपर्ट का कहना है दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द न्यू रूल्स. जो गैप बढ़ा दिया है ना गवर्नमेंट ने 8 वीक तक से बढ़ाकर कितने वीक कर दिया, आप मुझे कमेंट सेक्शन लेकर बताइएगा. उस गैप की वजह से जो इंडिया है उसने एक दिन में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन किए हैं 8.1 मिलियन का. फिलहाल जो गैप बढ़ा है उसकी वजह से, जो फ्री फॉर ऑल वैक्सीनेशन की जो ड्राइव किक्ड ऑफ हुई है उसकी वजह से इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वैक्सीनेशन इन अ डे एंड दैट इज़ अ बिग बूस्ट. क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने बोल दिया कि इंडिया की इकोनॉमी किस तरह से रिकवर करेगी, दैट विल ह्यूजली डिपेंड ऑन द पेस ऑफ वैक्सीनेशन, कि इंडिया कितनी जल्दी वैक्सीनेशन, कितनी स्पीड से 100% वैक्सीनेशन के टारगेट को अचीव करती है. तो फिलहाल के लिए इंडिया इज़ ऑन इट्स पाथ. अगर स्टेट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, इन सारे स्टेट्स ने 21 जून को हाईएस्ट वैक्सीनेशन रिकॉर्ड किया. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. डॉट मेन not ask a try for 5G price revision. So Department of Telecommunication will soon seek suggestion from the try on 5G spectrum auction. And basically price को लेकर के जो discussion है, negotiation है, वो establish किया जाएगा. अभी जो base price है for 5G spectrum is around ₹3.63 trillion. और जो नया auction होगा that will include 3300 megahertz to 3600 megahertz bond along with millimeter waves. तो फिलहाल के लिए सजेशन मांगा है डॉट ने, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है, डॉट के ऑफिशियल्स का कहना है कि गवर्नमेंट किसी भी तरह के प्राइस कट को सीक नहीं कर रही. इट वुड बी टू द रेगुलेटर, यानी ट्राई डिसाइड करेगी कि जो 3G स्पेक्ट्रम 5G स्पेक्ट्रम होना है इसका कितना प्राइस होगा. गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू आस्क फॉर रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ 5G स्पेक्ट्रम. एंड द रीसेंट राउंड ऑफ ऑक्शंस ऑल्सो shorted in a decade, so Reliance Jio snap over the 50% of the airwaves on offer. तो जो लास्ट में जो हुआ था, रिसेंट ऑक्शन हुआ था, उसमें हम सबको पता है कि जियो ने ही बाजी मारी थी. मैक्सिमम जो मोस्ट ऑफ द वेव लेंथ थे वो जियो ने खरीदे थे. अब जो नया ऑक्शन होने वाला है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 3,000 से 3,600 तक के जो बैंड्स हैं और कुछ मिलीमीटर्स की वेव्स हैं उनका ऑक्शन होगा. और इट इज़ हाईली लाइकली जियो इस बार भी सबसे ज़्यादा एक्विजिशन कर सकता है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसका मैं आर्टिकल पेस्ट करना भूल गई हूँ. एयरटेल एंड टाटा एंटर्स अ 5G टेक जॉइंट वेंचर. सो लीडिंग टेलीकॉम फर्म्स भारती एयरटेल ऑन मंडे अनाउंस अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद द स्टील टू सॉफ्टवेयर कॉन्ग्लोमरेट दैट इज टाटा ग्रुप. फॉर वॉट? फॉर 5G नेटवर्क सोल्यूशन. सो बेस्ड ऑन ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क दैट इज ओरॉन टेक्नोलॉजी ORAN ओरॉन टेक्नोलॉजी, द प्लान इज टू रोल आउट द सोल्यूशन इनिशियली फॉर इंडिया एंड सब्सिक्वेंटली फॉर एक्सपोर्ट. तो टाटा और एयरटेल ने जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है ऑन ओरॉन टेक्नोलॉजी दैट इज ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क. And this move is being seen as far as more ambitious than Airtel's original plan for collaborating with hardware and software players to build the 5G network at the lowest price. And this is a one of the very strong move on Reliance Jio. So, Reliance Jio kaise ise overcome karega? Kyunki Tata apne area mein badi company hai aur Airtel. And Airtel has actually announced that it is going to produce the lowest
surprise 5G network. So let's see how Jio will react on this news. So that's all for today, students. These are the differences. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. And yes, student, kal ka jo article tha wo nahi share ho paya tha Telegram group mein, jo maine aaj share kar diya, kyunki kal I had to record lecture at 3 a.m. in the night, aur us samay Telegram nahi hua kar raha tha, to और मॉर्निंग में मेरी कुछ मीटिंग्स थी, इसकी वजह से मैंने कल अपलोड नहीं किया था वो टेलीग्राम में वो लेक्चर, वो जो आज मैंने अपलोड कर दिया था. जिन्होंने कल डाउनलोड नहीं किया था वो जा करके आज टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके कल का जो लेक्चर है उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.